हाँ जी मेरे वालों सारे प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल बेटा, आप पार्ट वन की वीडियो के पाठ कर रहे थे शब्द बोध ते शब्द रचना। सो आप पार्ट वन की वीडियो समासी शब्द सिरजना के नियम तक पाठ न कर चुके हैं और मैं पूरी उम्मीद है कि तुम पार्ट वन की वीडियो चंगी तरह देख ली होनी है और समझ ली होनी। और अज आप करा उत्पत्ति की दृष्टि तो शब्दों किस्म, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि तो शब्दों तीन किस्म होंदिया हैं, केड़ियां? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और तीसरा है देसी शब्द। सब तो पहला आप करते हाँ तत्सम शब्द, जो शब्द किसी होर भाषा विचों लैके उस रूप से ही वरते जाते हैं उन्होंने तत्सम शब्द आखते हैं। मतलब कुछ शब्द इदा के होंगे भी जेडे किसी होर भाषा के जेडे जिदा बोले जाते हैं, है ना। तो मान लो कोई आप उदाहरण लेने बस शब्द का, ठीक है। इनू अंग्रेजी भी बस कहा जाता है, पंजाबी भी आप बस ही बोलते हैं। रेडियो, रेल, ग्लास ये अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। तो पंजाबी दे विच भी इन्हों इस तरह ही बोलते हैं। सो जड़े शब्द किसी होर भाषा तो ले जाते और उस रूप से अपनी भाषा च वरते जाते हैं उन्होंने कहा जाता है तत्सम शब्द, ठीक है। हिंदी तो किहड़े शब्द ले आ? पुत्र, मित्र, ठीक है। संस्कृत तो शक्ति, लघु, यात्रा और अरबी फारसी के शब्द हैं चश्मा, बंदूक, वकील, गजल, तारीख, शक्ति आदि। सो ये किसी होर भाषा के शब्द हैं और अपनी भाषा के भी इन्हों ज्यों का त्यों मतलब उस तरह ही आप वरतते हाँ। अगले आते हैं तद्भव शब्द, जो शब्द किसी होर भाषा के होंगे हैं पर पंजाबी विच उन्हां दा रूप बदल जाता है। जिदा देखो अंग्रेजी विचले शब्द सैक्रेटरी एक वर्ड है, सैक्रेटरी उन्हों पंजाबी च बोलते सैक्टरी, और कॉलेज, कॉलेज नूं पंजाबी च बोलते कॉलेज, ठीक है। एक हिंदी का शब्द है शिक्षा, शिक्षा नूं आपां पंजाबी च बोलते हैं सिख्या, ठीक है। हरदिया तो पंजाबी च बोलते हैं हिरदा, सूर्या, सूर्या नूं आपां पंजाबी च बोलते हैं सूरज, ठीक है। सो इस तरह जड़े शब्द किसी होर भाषा के होंगे और उन्हों का रूप बदल के आप अपनी भाषा के बोलते हैं वरतते हैं तो उन्होंने कहते हैं तद्भव शब्द। और जड़े शब्द जिमें किसी होर भाषा च बोले जाते हैं उदा ही आप अपनी भाषा च वरतते हैं तो होंगे तत्सम शब्द, ठीक है। और एक है देसी शब्द, अजिहे शब्द किसी भाषा विशेष न संबंधित नहीं होंगे बल्कि लोग जीवन में आम बोले जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भाषा के नहीं होंगे शब्द, वैसे ही आम जीवन के जो आप आम वर्ड बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने देसी शब्द कहा जाता है। जिमें कि इट, कही, दात्री, कड़ाह, कद्दू, मंजा आदि, ठीक है। ये अपनी भाषा के शब्द होंगे, ये कितों ना आए होंगे ना गए होंगे, ठीक है। अगला है रूप के आधार पर शब्द दिया शब्दों दिया किस्म। देखो पहला आप उत्पत्ति की दृष्टि तो शब्द दिया तीन किस्म, तत्सम, तद्भव, देसी। अगला है रूप के आधार पर शब्दों दी किस्म, रूप के आधार पर शब्दों दी दो किस्म हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। हाँ जी बेटा, विकारी शब्द जिदा कि देखो विकार का मतलब है शब्दी अर्थ ऐसा है तब्दीली। जड़े शब्दों के मूल या धातु रूप में व्याकरण नियमों अंतर्गत कोई बदलाव संभव होता है, मतलब जड़े शब्दों के कोई आप बदलाव कर सकते हाँ। जिदा कि देखो घोड़ा मूल या धातु शब्द तो घोड़े भी बना सकते हैं, घोड़िया भी बना सकते, मतलब जिहड़े शब्दों आप चेंज कर सकते हैं उन्होंने बदलाव कर सकते हैं तो उन्होंने कहा जाता है विकारी शब्द, ठीक है। सो जिमें कि मुंडा, मुंडा की है मूल शब्द है एक, इस तो आप मुंडा चेंज करके मुंडे भी बना सकते हैं, मुंडिया भी बना सकते हैं। एक होर उदाहरण घर, घर मूल शब्द है, इस तो आप बना सकते घरों या घर या घरेलू, ठीक है। सो जिहड़े शब्दों तो आप कोई होर शब्द बना सकते हैं उन्होंने तो आप कहते हाँ विकारी शब्द, ठीक है। जिन्हें बदलाव संभव है आप बदलाव करते हाँ, ठीक है। अगला है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द किहड़े होंदे हन, जिहड़े शब्दों के मूल या धातु रूप में व्याकरण नियमों अंतर्गत कोई भी बदलाव संभव नहीं होंदा, जिन्होंने आप बदल नहीं सकते, ठीक है। आ तो देखो विकारी शब्दों के वो शब्द होंगे जिन्होंने आप चेंज कर सकते हैं, मतलब एक वचन बहुवचन के भी इदा आप चेंज कर देता है लिंग बदलो दे, है ना। तो किसी भी अर्थ के नाल
किसी भी तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें बदलाव कर सकते हैं, वह होंगे विकारी शब्द। बट की है अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों के नू चेंज नहीं कर सकते, उन्हों का बदलाव संभव नहीं होंगे। जिदा कि आम तौर पर योजक शब्द होंगे जिमें ते नू किदे च चेंज करोगे, किसे च नहीं हो सकता, ठीक, अते की जो पर सगों इसलिए जां क्योंकि जेड़ा तां आदि। सो इदां दे जड़े शब्द होंदे आ इन्हां नू आपां चेंज नहीं कर सकते, इन्हां नू कहा जांदा है अविकारी शब्द। अगे है व्याकरण श्रेणियां दे आधार ते शब्दां दीआं किस्मां, इन्हां नू सार्थक शब्दां दे भेद भी कहा जांदा है। व्याकरण दृष्टि तो हर शब्द का किसी व्याकरण श्रेणी ना संबंध उसके व्याकरण कारज के आधार पर होंदा है। ये श्रेणियां हैं नाम, पड़नाम, विशेषण, किरिया, किरिया विशेषण, संबंधक, योजक, विस्मक अते निपात। सो जड़िया ये सारिया किस्म हैं, इन्हों अलग अलग पाठ के डिस्कस करांगे और चंगी तरह समझांगे। और बाकी जो भी मैं पढ़ाया है, मैं पूरी आशा है, मैं विश्वास है कि तुम्हें चंगी तरह कंसैप्ट क्लीयर हो गया होएगा। और इस तो बाद अपने अगेत्र और पिछेत्र अलग तो आते हैं, ठीक है, जिदा कि अगेत्र के नाल उत्पन्न शब्द, मूल शब्द के नाल अगेत्र ला के उत्पन्न शब्द किदा बनाना है, और पिछेत्र ला के उत्पन्न शब्द किवें बनाना है, मूल शब्दों के नाल अगेत्र पिछेत्र ला के। सो ये भी तुसी करने हैं। सो बाकी सारी वीडियो ध्यान नाल देखनी है, और अगेत्र पिछेत्र जो हैं वो तुसी अपनी नोटबुक के 2020 लिखने हैं, ठीक है। हाँ जी बेटे, इस नाल ही एक होर चीज़ जो तुसी अपनी नोटबुक के लिखनी है, वह है पाठ पिछलियां महत्वपूर्ण गल्लां। ये सारिया जड़ियां हैं ये तुसी अपनी नोटबुक दे विच राइट करनी हैं। ये लैसन दे एंड विच है, सारे लैसन एंड विच आन गया, ठीक है। बट जिहड़े जिहड़े आपां लैसन करी जावांगे ना, वो हर एक लैसन दे तुसी अपनी नोटबुक दे विच ये महत्वपूर्ण गल्लां, इंपोर्टेंट गल्लां लिखनियां। तुसी अपनी पंजाबी दी नोटबुक नूं दो पार्ट्स डिवाइड कर लियो। एक फस्ट पार्ट दे विच तुसी अपनी रीडर बुक दे क्वेश्चन आंसर राइट कर रहे हो, है ना, और जिहड़ा सैकेंड पार्ट होएगा वो तुसी ग्रामर वास्ते लाउणा है। जो भी आप ग्रामर का रिटन वर्क दया करांगे तुसी उहदे विच राइट करिया करोगे, ओके। सो अगेत्र पिछेत्र और ये महत्वपूर्ण गल्लां ये तुसी अपनी नोटबुक दे विच लिखनियां हन। और जिहड़ा बुक वर्क है, अगर तुसी दोनों वीडियोज़ ध्यान नाल सुनिया हन, समझिया हन, तो मैनू पूरा विश्वास है कि बुक वर्क तुसी अपने आप हल कर लोगे। बट फिर भी अगर तुसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुहानू कोई प्रॉब्लम आउंदी है बुक वर्क दे विच, तो तुसी मैनू परसनली कंटैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सारे बुक वर्क दियां और नोटबुक वर्क दियां मैनू पिक सेंड करोगे, और ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। थैंक यू।